आज की वीडियो गाइस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही खास है, क्योंकि आज आपके सभी क्वेश्चंस के जवाब देने की कोशिश की जाएगी। जहां पर आप सिंगर हैं, डांसर हैं, एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर केपॉप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को कोशिश करना कि लास्ट तक देखो ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। चलिए देखते हैं कि आपके मन में क्या क्वेश्चंस चल रहे हैं। दूसरा, आपके और कोई क्वेश्चंस होंगे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को ले सकें। GR डांस किंग लिखते हैं, भैया डांस प्लस 7 कब आएगा? तो डांस प्लस 7, देखो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो शो है अभी तक आया नहीं है क्योंकि पूरा एक साल होने जा रहा है। तो कभी भी चांसेस हैं कि डांस प्लस 7 आ सकता है। अभी इंडियाज़ बेस्ट डांसर आ चुका है और डांस प्लस 7 के भी चांसेस हैं, वो कभी भी आपको टेलीविज़न पे देखने को मिल सकता है। लेकिन कोई फिक्स डेट या कोई अनुमान नहीं लगा सकते अभी। जैसी कोई अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अपनी डांसिंग की तैयारी बस करके रखिए। अगला क्वेश्चन एल सिंगिंग स्टाइल लिखते हैं कि भैया द वॉइस ऑफ इंडिया सीजन 4 कब आएगा? द वॉइस ऑफ इंडिया की बात करें, इससे पहले भी मैंने बात की हुई है इसके बारे में, और द वॉइस ऑफ इंडिया का मुझे नहीं लगता कि ये शो आपको देखने को मिलेगा भविष्य में, लेकिन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बट अभी जो संकेत हैं, अभी जो डेटा है, जो एनालिसिस है, जितना पुराना रिकॉर्ड है इस शो का, वो यही कहता है कि अब ये शो आपको टेलीविज़न पे देखने को नहीं मिलने वाला। धीरज बंद्रा लिखते हैं, प्लीज़ भैया केपॉप के बारे में बताइए। तो मैं यही कहना चाहूँगा, केपॉप के बारे में कोई लेटेस्ट अपडेट या कोई जानकारी आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। फिलहाल अभी तो यही न्यूज़ है कि कोई ऐसा कॉम्पिटिशन आ नहीं रहा। दूसरा, जिस तरह से कोविड फैल रहा है तो अभी कोई कॉम्पिटिशन शायद ये कराएंगे भी नहीं। ऑनलाइन आपके ऑडिशंस हो सकते हैं, तो जैसे ही कोई बड़ी कंपनी या कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आपकी कोई ऑडिशंस निकालता है केपॉप को लेकर, तो मैं आपको ज़रूर कंफर्म करने की कोशिश करूंगा। नितिन शर्मा, वही क्वेश्चन डांस प्लस 7 कब आएगा? तो इसका जवाब हमें मिल चुका है। वहीं डांस एंड प्यूस लिखते हैं कि अपडेट कीजिए झलक दिखला जा के बारे में। और मुझे तो ऐसा लगता है कि झलक दिखला जा आप सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप उस शो को देखना चाहते हैं, क्योंकि झलक दिखला जा के अंदर कॉमनर्स की तो एंट्री वैसे भी नहीं होती। या तो सेलिब्रिटी हो या फिर आप कोई बड़े इन्फ्लुएंसर हो, तभी आप झलक दिखला जा के अंदर जा सकते हैं। तो इसके बारे में कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। फिलहाल झलक दिखला जा को लेकर कोई अपडेट नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो ये इंडियाज बेस्ट डांसर है इसके बारे में जल्दी जल्दी अपडेट दो, बताओ हमें, क्योंकि हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो इंडियाज बेस्ट डांसर गाइस, अब इसके ऑडिशंस कभी भी आ सकते हैं, जैसे ही मेरे को पता चलेंगे इंटरनेट पे आ जाएंगे। हो सकता है कि ये वीडियो शूट करते करते ही वो अपडेट आ जाए, तो मैं आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा पूरे YouTube पे। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऑडिशंस दे सकते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाई है और ये वीडियो मैंने कल ही अपलोड करी थी, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको सबसे नंबर 1 का जो कमेंट होगा उस पर मिल जाएगा, तो आप जाकर उस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी अभी इंडियाज़ बेस्ट डांसर के टर्म्स और कंडीशंस नहीं आई। जैसे टर्म्स और कंडीशंस आएंगी उसमें हमें आइडिया लग जाएगा कि एज क्या है, कैसे जाना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और भी बहुत सारी चीज़ों का हमें उसमें पता चलने वाला है। जीतू लिखते हैं, सर सुपर डांसर सीजन 5 कब आएगा? सुपर डांसर चैप्टर 5 गाइज, ये भी कभी आ सकता है। देखो इसका कोई अपडेट नहीं है, लेकिन ये दिसंबर को आने वाला था, बट अभी इंडियाज़ बेस्ट डांसर आ गया तो मुझे नहीं लगता कि सुपर डांसर चैप्टर 5 भी लाएगा, लॉन्च होगा, क्योंकि दो डांसिंग शो एक साथ नहीं चलते, ये आपने भी देखा होगा, ना ही दो सिंगिंग शो एक साथ चलते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडियाज बेस्ट डांसर आ गया तो सुपर डांसर चैप्टर 4 शायद ही आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि इंडियाज बेस्ट डांसर के मिड में यानी कि फरवरी तक आपको सुपर डांसर चैप्टर 5 देखने को मिले, बट अभी कुछ कन्फर्मेशन नहीं है। ये सिर्फ मेरे प्रिडिक्शन और मेरी एनालिसिस कहती है कि सुपर डांसर चैप्टर 5 अभी आपको 2-3 महीने बाद ही देखने को मिलेगा। और इसके अपोजिट में बात करें तो ये भी कभी भी आ सकता है, क्योंकि दिसंबर में ये आ जाता है सुपर डांसर चैप्टर 5, लेकिन इस बार आया नहीं है। सिंगिंग विद अजीत प्रजापत लिखते हैं कि जो 2023 का इंडियन आइडल है ये कब आएगा? सिंगिंग शो में मोस्ट पॉपुलर सिंगिंग शो यानी कि इंडियन आइडल, इंडियन आइडल 13 के बारे में हमने बहुत बातें की थी, बहुत ऑडिशंस प्रोसेस, जगह जगह के ऑडिशंस हुए, हमने देखा कैसे ऑडिशंस हो रहे हैं, किन किन चीज़ों का लोग ध्यान रख रहे हैं,
13 बहुत ही अच्छा गया, लोगों ने बहुत लोगों ने कॉम्पिटिशन्स दिए, कुछ लोगों का हुआ, बहुत लोगों का नहीं हुआ, कुछ लोग फर्स्ट राउंड में निकले, कुछ लोग सेकेंड राउंड में निकले, यानी कि ओवरऑल सबका एक्सपीरियंस अच्छा ही था। कुछ लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला, रियलिटी शो के बारे में पता चला। अब अगर बात करें 2023 की, तो गाइज अभी बहुत टाइम है आने में, अभी बस आप प्रैक्टिस करके रखिए इंडियन आइडल की। बाकी जैसी कोई अपडेट आती है तो मैं आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूँगा। अगर अंदाजन बताऊँ 2023 में तो इंडियन आइडल शायद जून में ही आ गया था, जून में ऑडिशंस स्टार्ट हो जाते हैं, जून जुलाई अगस्त तक चलते हैं, उसके बाद फिर टेलीविज़न पे आ जाता है ये शो। तो इसी हिसाब से आइडिया लगा लीजिए कि आपके जो 2023 का होगा वो भी जून जुलाई के आसपास ही होने वाला है। तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, लेकिन अपने प्रैक्टिस जारी रखिए। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उस ग्रुप को ज्वाइन करके रखिए। बहुत सारे सिंगर उधर बातें करते हैं, अपनी वीडियोस डालते हैं, अप्रिशिएट करते हैं एक दूसरे सिंगर को, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ए खान लिखते हैं, सर मैं ए खान, मेरे को रैप बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने बहुत सारे रैप सॉन्ग लिखे हुए भी हैं, सर आपकी हेल्प चाहिए, सर मेरे को हसल में पहुँचना है, और इस तरह से उन्होंने लिखा है। बाकी देखो ए खान, मैं यही बोलना चाहूँगा, जब MTV हसल 2.0 आया था, मैंने 2-3 नहीं कम से कम 4-5 वीडियोस बनाई थी, आपको बताया था कि भाई MTV हसल के ऑडिशंस आ गए हैं, आप ऐसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। लेकिन उस टाइम बोलते हैं ना, लोगों को पता नहीं चला, तो हो सकता है कि ए खान आपको भी नहीं पता चला हो, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उन वीडियोज़ का यूज़ करके अपने ऑडिशंस दिए थे। कोई बात नहीं, अभी तो अब हसल 3.0 आएगा या फिर 2.1 आएगा, कुछ भी आएगा, लेकिन जो भी नेक्स्ट सीजन आएगा इसकी अपडेट मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। फिलहाल अभी कोई भी अपडेट नहीं है, अभी आप अपने प्रैक्टिस करके रख सकते हैं। और अभी तो ख़त्म हुआ है MTV हसल, एक महीना भी नहीं हुआ शायद मेरे हिसाब से, तो आप वेट करिए, कम से कम जुलाई अगस्त तक का वेट करिए, जब MTV रोडीज आता है, MTV स्प्लिट्स वाला आता है, उसी टाइम आपको MTV हसल भी देखने को मिलता है। तो अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा टाइम है, थोड़ा वेट करिए, जैसे ही आएगा मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। कुछ लोग पूछते हैं, जो सिंगर्स हैं जैसे K-pop हो गया, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं K-pop के अंदर हिंदी सिंगिंग करनी चाहिए या फिर कोरियन या फिर इंग्लिश सॉन्ग, तो मैं यही बोलना चाहूँगा, आप इंग्लिश सॉन्ग कर सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है कोरियन गाने की, ना ही ज़रूरत है आपको हिंदी सॉन्ग गाने की, आपको इंग्लिश सिंगिंग करनी है, इंग्लिश जितने भी सॉन्ग्स हैं उनको प्रिपेयर करिए, आप उनके साथ वो सिंगिंग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन गाइस बहुत ज़्यादा पूछा गया था, मैंने हाल ही में रेडियो सिटी के बारे में ऑडिशंस के बारे में बात की थी, और मैंने आपको बताया था 23 लास्ट डेट है, यानी 23 दिसंबर टर्म्स और कंडीशन में, वाकई में 23 दिसंबर लास्ट डेट थी, लेकिन जो रेडियो सिटी वाले हैं इन्होंने पहले ही कॉम्पिटिशन्स को क्लोज कर दिया, क्योंकि उनके पास जितने उनको लोग चाहिए थे उससे ज़्यादा ही लोग आ रहे थे। तो बोलते हैं ना, जब जितने लोगों की ज़रूरत होती है वो अगर आपको पहले दिन ही मिल जाए तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है इतना लंबा खींचने की, इसीलिए इन्होंने जो ऑडिशन क्लोजिंग डेट थी वो पहले ही क्लोज कर दी, और जितने लोग आए उनका कॉम्पिटिशन अभी फ़िलहाल चल रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि गाइज जो लोग ये सोच रहे हैं कि 23 लास्ट डेट है, अब वो डेट नहीं रही। बाकी गाइज एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जब भी मैं वीडियोस डालता हूँ तो उसके विद इन 1 डे या फिर 2 डेज के अंदर आपको अपना फॉर्म फिल कर लेना चाहिए। इसके लिए आपको पहले से ही प्रिपरेशन करके रखनी है, जैसे ऑडियो की, वीडियो की, अपने फोटोग्राफ्स की, ताकि आपसे कोई भी फॉर्म मिस ना हो सके। बाद में जब सभी लोगों को पता चल जाता है तो जो वेबसाइट होती है जहाँ पर आप फॉर्म फिल करते हैं वहाँ पर ट्राफिक बहुत हो जाता है। अब जब ट्राफिक बहुत होगा तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी, आपका फॉर्म सही से फिल नहीं होगा, तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना होता है। तो गाइस कुछ क्वेश्चंस यही थे जो मैंने इस वीडियो में आपको बताए, बाकी अब आपका कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में इसी वीडियो के नीचे के सभी क्वेश्चंस को लिया जाएगा और देखा जाएगा कि आपके और कौन से सवाल हैं। फिलहाल अभी इंडियाज बेस्ट डांसर आने वाला है, दूर दूर तक कोई अदर कॉम्पिटिशन या ऑडिशंस नहीं है, जैसे आएंगे तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।